मटेरियल विथ ए बैंड गैप। अब हमारे पास एक पीएन डायोड है, पीएन एक जंक्शन है, उस जंक्शन में पीएन डायोड में मटेरियल बैंड एनर्जी गैप कितना है, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट कैन अब्सॉर्ब बाय द मटेरियल इज। फोटो डायोड क्या होता है यार, फोटो डायोड जो होता है सिग्नल डिटेक्ट करने के काम आता है, और जब उस पर बैंड गैप इतना है तो मिनिमम रेडिएशन दैट कि जब उस पर रेडिएशन पड़ेगी तो कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगी। ऑब्वियसली ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनर्जी गैप कितना है, तो एनर्जी गैप 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हमें निकालना है तो एनर्जी इज इक्वल टू होती है एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी कितना है, तो एनर्जी है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो ये जब पूरा कहानी सॉल्व कर लेना फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी ये सिंपल इसको सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्स, ठीक है। 5 × मतलब डी ऑप्शन सही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो उसको मैं 1.6 × 10 की पावर 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जो वो ये वाली जो चीज़ है वो हर्ट्स में है, SI यूनिट में है। चलो कहता है इन द एनर्जी बैंड